बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ ए एक्स अपॉन ए वाई मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ ए वाई अपॉन ए आर मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ ए आर अपॉन ए एक्स। हम इसे लिख सकते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये, कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन एन, nth root of x is equal to x exponential form में आ जाएगा 1 upon n। तो हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, a x upon a y और bracket, अब ये हमारे पास आ जाएगी 1 upon 4 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, ए की पावर है हमारे पास ए वाई अपॉन ए आर और होल पावर 1 अपॉन 4 ए आर अपॉन ए एक्स पावर 1 अपॉन 4। अब जब होल पावर है तो इसका मतलब है कि ये पावर ए एक्स पर भी है और ए वाई पर भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन फोर, एक्स वन जा एक्स उनकी फोर आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर ए वाई अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय ए वाई अपॉन फोर ए आर अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय ए आर अपॉन फोर ए एक्स अपॉन फोर। अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स अपॉन फोर और ये पावर हमारे पास ऊपर आ जाएगी और इसकी साइन चेंज हो जाएगी वाई अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर आर अपॉन फोर सॉरी ऊपर वाई अपॉन फोर है और नीचे था हमारे पास आर अपॉन फोर, तो आर अपॉन फोर माइनस में आ जाएगा ए की पावर आर अपॉन फोर माइनस एक्स अपॉन फोर। अब डिवाइड जब हो रहा था तो हम पावर ऊपर ले आए माइनस के साइन के साथ, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम हमारे पास इनकी बेस है तो हम इसे लिख सकते हैं ए की दफा लिखेंगे और इन सब की पावर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स अपॉन फोर माइनस वाई अपॉन फोर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास पावर प्लस होती हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वाई अपॉन फोर माइनस आर अपॉन फोर प्लस आर अपॉन फोर माइनस एक्स अपॉन फोर। अब अगर हम इन्हें देखें तो ये हमारे पास प्लस का एक्स अपॉन फोर है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का वाई अपॉन फोर प्लस के वाई अपॉन फोर से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का आर अपॉन फोर प्लस के आर अपॉन फोर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ए की पावर हमारे पास आ रही है ज़ीरो, ए ज़ीरो ए ज़ीरो हमारे पास इक्वल होता है वन के, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1।